धार जिले के धामनोद नगर में आगामी त्योहारों और पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा शनिवार शाम 7 बजे धामनोद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों में होली, भगौरिया, धुलेड़ी, शब त्योहारों को देखते हुए त्योहारों को कैसे मनाना एवं उत्साह कैसे आयोजित करना, इस विषय को लेकर पुलिस थाना परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। वहीं शासन की गाइडलाइन भी समस्त बंधुओं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बैठक में सबकी सहमति से आगामी त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की बात रखी गई। बैठक में मुख्य रूप से तहसीलदार संजय शर्मा, नायब तहसीलदार केसिया सोलंकी, धामनोद CMO माया मंडलोई, धामनोद SDOP राहुल खरे, थाना प्रभारी राजकुमार यादव व अन्य शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। होलिका दहन हो वो सभी जगह चिन्हित रहे, और जब कोई बड़ी हो, बड़ी होली होती हो जहाँ पे, वहाँ पे बिजली के तार या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके नीचे न जलाए। अगर जगह नहीं हो तो हमको सोचना था, हम तार हटा देंगे। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते ही होलिका दहन का दहन करें और सद्भावना बना रहे। सर, आपका नाम और पद? गणेश नहाले, सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, धामनोद। बैठक में रखा गया था, क्या मामला है? आज शांति समिति की बैठक आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में AUP महोदय और तहसीलदार CMO मैडम और MBB जानकारी आए थे, जिसमें होली, भगोरिया, दुल्हड़ी और सभी बरत, ये 4-5 जो त्यौहार आ रहे हैं उसके संबंध में लोगों से चर्चा की। जो शासन की गाइडलाइन है वो उस अनुसार सभी को अवगत कराया गया और जो जो उनके पॉइंट थे उनका मना रखा गया। सर, में कितने लोग शामिल हुए थे? करीब 50-60 लोग थे, और पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिक और जिनकी होली है वो लोग आए थे। और होली त्यौहार कैसे मनाए, कोरोना के दो कठिन समय के दौर के बाद होली आ रही है, उसमें अपना घोषणा को अच्छे से शांतिपूर्वक चलवाओ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धामनोद से गोलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।